नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन स्वागत करता हूँ आपका एक और नए वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के कारण क्रिकेट के नियम में हुए बदलाव के बारे में। तो बस आप देखते रहिए इस वीडियो को पूरे अंत तक। इसमें सबसे पहला बड़ा बदलाव यह है कि अब गेंदबाज या फील्डर कोई भी गेंद को चमकाने के लिए लाल का प्रयोग नहीं कर सकता। यह दोस्तों, लेकिन फिर भी अगर आदत से मजबूर कोई भी फील्डर या फिर गेंदबाज ऐसा कर देता है तो सबसे पहले गेंद को डिसइंफेक्ट किया जाएगा और अंपायर द्वारा वार्निंग भी दी जाएगी। अगर दो वार्निंग के बावजूद भी कोई प्लेयर ऐसा करता हुआ पाया गया तो टीम पर 5 रन की पेनल्टी पड़ेगी। दूसरे बदलाव के बारे में बात की जाए तो अब टेस्ट मैच में किसी भी प्लेयर में COVID-19 के सिम्टम्स पाए जाते हैं तो उस प्लेयर को टीम रिप्लेस कर सकेगी, लेकिन ये लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट होगी, जैसे कि अभी कंकशन सब्स्टिट्यूट में होता है। लेकिन ये रूल केवल टेस्ट मैच के लिए ही है, वनडे या फिर 2020 के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। बात अगर तीसरे बदलाव के बारे में की जाए तो जो नेचुरल अंपायर्स है, जो कि अभी हमको अंपायरिंग करते हुए दिखते हैं और ICC पैनल में शामिल है, उसकी जगह अब ICC लोकल अंपायर अपॉइंट करेगी। ये दोस्तों, अब क्रिकेट में नए नियम के साथ साथ आपको कई नए अंपायर्स भी देखने को मिलेंगे। अगले बदलाव की ओर नजर डाली जाए तो अब DRS यानी कि जो रिव्यूज होते हैं उसमें बढ़ोतरी की जाएगी, क्योंकि लोकल अंपायर रहेंगे जिस कारण उसको इंटरनेशनल मैचेस का इतना ज्यादा अनुभव नहीं रहता, जिस कारण हर एक टीम को एक रिव्यू ज्यादा मिलेगा। यानी पहले वनडे में प्रति इनिंग एक रिव्यू मिलता था, उसकी जगह अब 2 रिव्यू मिलेंगे। और पांचवा और अंतिम बदलाव यह है कि अब प्लेयर अपनी जर्सी पर एक और एडवर्टाइजिंग लोगो लगा सकेंगे। यह दोस्तों, यह निर्णय ICC के द्वारा इसलिए लिया गया है कि इससे टीम को फाइनेंशियली फायदा होगा और जो COVID-19 के कारण अभी क्रिकेट में ब्रेक चल रहा है, जिस कारण टीमों को जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई होगी। तो बस दोस्तों, यही थे क्रिकेट के नियम में कुछ बदलाव। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अब आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जल्द मिलते हैं एक और नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।